उमन से कुंडिया, उमन से कुंडिया हर चक्कर में 50 रुपए इनाम मंडिया के बल्लेबाजों को दे रहे ये दास्तान के साथ पूरा कर रहे हैं उस ई गन के साथ इस तौर का आगाज कर रहे हैं आमिर कोशिश ग्रोह युवा समाजवादी पार्टी जो के उत्थान करता था लेकिन किसी काम से दुबई में है लेकिन अपने पर पूरी सचिन यादव को भेज रहे हैं कि जाइए मंतजा लेने कमेटी का काम कर दीजिए और मैंने कहा ये मुकाबला हर छक्के पे 50 रुपए उमर से खेला गया मंडियार के बल्लेबाजों के लिए सलमान नीचे रहते हुए ठीक करने में कामयाब तो यही खान कमेटी ने अभी बताया नहीं है जैसे अनाउंस होगा बता दिया जाएगा टीम यही है नसीरपुर की मोहब्बत नहीं करते लड़ना है तो आज के लिए मैदान में हमें वालेकुम सलाम अपने कबीले से बगावत नहीं करते ये उमर शेख साहब का अनाउंसमेंट है हर छक्के पे 50 का इनाम दे रहे हैं अपने गांव से मोहब्बत अपने बच्चों का हौसला अफजाई करने के इनाम लेते हुए आए हैं सलमान एक पहला आघात लगा है मुंडियार को अब बल्लेबाज राउंड जाएंगे आरपीएस का नहीं है आज बल्लेबाजी करने के लिए फूलपुर में हो रहा है भाई फूल में हो जाएगा ये मुंडियार भी जीती है इस बल्लेबाज का नाम साथ साथ जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए साथ और समान बिल्कुल एक नई बगिया तैयार कर रहा है मुंडियार किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे सरकार को एक फिर खुला बेहतरीन मुकाबला वक्त पाका मसाला लगातार हैट्रिक सिक्स हैट्रिक चौके हैट्रिक विकेट के इनाम दे रहा है फीफा ट्रेडिंग कैंपेन जो टूर्नामेंट में चमचमाती हुई ट्रॉफी आने वाली है उसको इसे ऑन किया है एसके मोबाइल फूलपुर संसद मोबाइल जिसे भी लेना हो वहां पे आसान किस्तों पे दिया जा रहा है और जीरो इंटरेस्ट उस पर लगता है तो दोनों लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे है साथ और सलमान का बेहतरीन मुकाबला आपके सामने ये खेला जाएगा तो रोड एक बहुमूल्य विकेट बड़ी विकेट की चुकी है सलमान के ऊपर लगा है साथ रही है टीम के किसान कंपनी सात पैया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खतरनाक होता है सत्तान पैया विकेट पहुंचे और अच्छी गेंद ठीक करने में कामयाब जबरदस्त गेंदबाजी सत्तान के द्वारा हो रही है 6+6 का ये मुकाबला है पहला आघात लगा है और 5-5 के दो नोट को जमा कर दिया है उन्हें यकीन है कि 20 छक्का लगेगा 20 छक्का अगर लगेगा तो काम बनेगा मुंडियार का लेकिन क्या ऐसा होगा तैयार तो एक गेंद पूरी तरह से मेरे तरफ यहाँ पर वाइड का इशारा आ रहा है इसी वाइड के साथ इसके साथ पहुंचा यहाँ पे टीम पहला बार जारी 6+6 का ये मुकाबला खंडवाड़ा टॉस जीत कर गेंदबाजी कर रहा है बल्लेबाजी कर रही है टीम मुंडिया ए बनी ब्रदर्स और मुंडियार ने क्या विकेट के साथ और सलमान दोनों बल्लेबाज वन डाउन का एक विकेट साजिद के शक में जा चुका है काटिया में आउट हुए थे लेकिन चंद्रपुर पर अभी 6 ओवर से बल्लेबाजी शुक्रिया शुक्रिया अहमद भाई फिर वहां पर ड्राइव लेकिन नीरव मोदी के ऊपर की छक्का दो गए निकल गए रुको ये का पार एक पूरा कर रहे क्रॉस रिंग के लिए भाग रहे हैं और बढ़िया साली का पार तोड़ भी जाएगा इसी देर के बाद इसके और 5 ओवर की समाप्ति एक ओवर में 5 रन एक विकेट के नुकसान पे नसीरपुर और सजनी आपके पास आ गए अगला मैच नसीरपुर बनाम सजनी अगला मैच नसीरपुर बनाम सजनी
असहद पहुंचे हैं कुछ मैसेज लेके, कुछ संदेश लेके पहुंचे हैं असहद अपने खिलाड़ियों से। इस समय के खेलिएगा, शिवर का मुकाबला है, 90 में जीत रहा है, मुश्किल है भाई, अभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। तवा फार्मेसी फरहान इंस्ट्रक्शन लगातार 3 विकेट लेने वाले को 5 चौके का एहतिशाम। गेंदबाज है एहतिशाम, पहली गेंद लेकर भैया बेहतरीन विकेट खेल रहे हैं, सलमान उमर से जो नाम लगाया अच्छा भाई, कफील भाई, जिस भी टूर्नामेंट का लाइव दिखाया जाएगा उसको पेज पे डाल दिया जाएगा कौन कौन सा टूर्नामेंट लाइव दिखाया। आपको कभी भूला नहीं जाएगा, ये कमेटी तो आपका दिल में बसा लिया। थोड़ा सा तबियत नहीं है, 12 रन बना है, यहाँ पे एक रन लेगा, इसके वजह से एक के साथ यहाँ पे खेल। अच्छा भाई, अच्छा महामुकाबला खेल रहे हैं, मुंडिया एक शक्तिशाली टीम है, यहाँ पे इस मतलब के जाएगी 4 स्कोर ये भंडारा लगातार अपने प्रेस कर रहा है, तो इस स्कोर 19-30 ओवर का लेके आएगा महमूद। 2 ओवर के बाद 19 रन बन चुका है, मुंडियार पहले बैटिंग कर रही है, ढंडवारा फील्डिंग। क्वालिटी वाले सामान अगर आपको चाहिए इस स्पोर्ट का तो आज के लिए अपन स्पोर्ट 70-70 से गेंदबाज कौन आएगा इस सही टाइम आ रही है करने के लिए अपना दूसरा और अपनी टीम का तीसरा लेकर 2 ओवर 19। आफाक साहब तो काफी खुश है इस मुकाबले को देख रहे हैं, कभी धुआं हुआ देते हैं तो कभी चाय पी लेते हैं, लेकिन मेरे ग्राम मुकाबला अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सरदार के पास होता है
जी हाँ, दूसरा कंटिन्यू के पाजे भाई सलमान एक छक्का लगा चुके हैं, 50 का इनाम देता है, तैयार होते हैं दिक्कत बचे गए करेंगे और फिर घूम कर खेल रहे थे, खेला भी है कितने मौजूद वहां पे हैं, इस मतलब फील कर लिया एक बार में फील किया गया इसको पहुंचा दी। अब अशहद और सलमान किस मौसम में खेल के दिखाएंगे ये देखा जाएगा, खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम के लिए तैयार होते हुए पहुंचे और बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल याद उनकी गेंद थी, उसे लेट कट करने का चक्कर था बल्लेबाज का, कामयाब नहीं हुए और नसीरपुर टीम के बीच टॉस हुआ, टॉस जीता नसीरपुर के बाजी करने का फैसला लिया, लेकिन सजनी अब कम से कम जींस वाले को चेंज करवा ले, लोअर पहना है, जबरदस्त ट्राई, जबरदस्त ट्राई किया गया सीधे बल्ले से, क्या क्लियर कर लेंगे, जी हाँ इस मतलब फील हुआ एक रन, उसको इसको एक के साथ 21-21 तीसरा चार स्टार इतनी बड़ी टूर्नामेंट आज आपके सामने चला है, उसका ये बड़ा प्यारा मुकाबला सोच सोच इस संजय रंगे के लिए आज पूरी टीम अपने आप को बढ़ा रही है और बड़ा अच्छा चौक सरल नाम के द्वारा खेला गया, फिल्डर वहां पे आ रहे हैं, तीन के लेंगे एक मिलेगा, इसको रिसीव एक के साथ जा पहुंचा है, अब यहां पे 22 रन तक मात्र एक छक्के सलमान के बल्ले पे आए हैं, तीसरा ओवर ये चल रहा है दोस्तों और सजनी का मैच इसके बाद है नसीरपुर से, नसीरपुर का मैच इसके बाद है सजनी से, बेचैन बेकरार हो रहे हैं और अच्छा स्टोक का साथ के बल्ले से दिशा में कैच करेंगे, एक और पर अशहद दिया दूसरा आधा तो हाफी गया साहब के रुके जा रहे हैं उस मैदान पे घर गए थे, लेकिन घर को ये सलाह मिली कि खेल देखते हो बच्चे को खिलाते हुए खेल देखो, पांच ओवर बच्चा भी साथ में लेके आ रहे हैं और स्कोर 22 प्रति 22 प्रति भाई मैं अनाउंस नहीं करवा पाऊंगा क्राउड कैच पे, आप जो है कमेटी में किसी से पहचान है तो बात कर लीजिए, मैं एक बार किसी का अनाउंस करा दूंगा तो फिर सबका कराना पड़ेगा, कल गलती से मैं हो गया था पसीना फूट के इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, जिसके लिए सलमान और अदनान क्या गुड़ खिलाएंगे, तीन ओवर में 22 रन चार विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर में 22 रन चार विकेट के नुकसान और यहाँ पे अब नए गेंदबाज का नाम बता दें असमल ये अपना पहला टीम का चौथा वाले कार है, उनके सामने ब्रेक खंडे बल्लेबाज सलमान है, एक छक्का लगा चुके हैं, स्कोर 22 रन बना है दोस्त, 3 ओवर हो चुके हैं, चौथे ओवर की पहली गेंद देकर तैयार थोड़ा सा उठिया और नीचे रहती हुई गेंद लगती बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, बहुत प्यारी गेंदबाजी, ये 6 ओवर का मुकाबला, सॉरी 6 ओवर का मुकाबला है, 6 ओवर का मैच है, मुंडियार बूथ का सराय जैसी मजबूत टीम को 75 रन का टारगेट हासिल किया, सजनी के इसके बाद है नसीरपुर से और इनका बल्ला चलने का इंतजार कितना प्यारा है, इसको 50 का इनाम जीता है, 100 रुपए के इनाम जीत चुके हैं सलमान, सीधे बल्ले से जब क्रिकेट या मैदान के ऊपर से खेलते हैं दिल्ला जवाब लगता वॉलंटियर गेंद पलट रहे हैं, गेंद को वापस करते हैं दोस्त, दो चार साल लोग ठीक है भाई, ठीक है फरहान भाई, सलमान रहेंगे तुरंत, कुछ लोग कहते हैं आगे करो, कुछ लोग कहते हैं पीछे करो, हाँ भैया अम्बेडकर नगर की भी टीम है, इसकी सुना जाए, अभी मैं आगे कर दूंगा तो कोई आएगा कहेगा पीछे करो,
इतना बड़ा विकेट इतनी आसानी से छोड़ दिया गया। अभी ढंडवारा नहीं बैठेंगे। ये असमल का ये कैच नहीं था दोस्त, ये तो विकेट कीपर का था, लेकिन जीवनदान सलमान को मिला है। सलमान जैसे बल्लेबाज को अगर जीवनदान देंगे तो कहेंगे कि आ बैल मुझे मार। कहां भाई, पूरा तो दिख रहा है, पूरी अभी के पास पूरी पिच देख रही है, पूरे के मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रही है, बॉलर दिख रहा है, बैटर दिख रहा है। असमल तैयार, एक और विकेट जब उसको फिर कैच नहीं होगा तो बाउंड पर चला जाएगी चार मैच। ऐसे अगर ऐसे जाने लोग नहीं करेंगे तो मुकाबले से जल्द बाहर हो जाएगी उसके विकेट। सलमान बल्लेबाजी कर, उन्हें जीवन दान मिला है दोस्तों, उस जीवन दान का पूरा फायदा मिला है। असमल तैयार, सिद्धपुर परोलिशा और सेवन बाजी हो रही है, कहां शुरू किया एक और अच्छी गेंद ब्रिटिश सूची के साथ इसका लेकर की तरफ खेला है और फिर मिट्टी चार दूसरा लगातार चौका स्कोर कर दिया। ऐसे कुंबरी से मैच अच्छा भाई गुजराई से देख रहे हैं आप, शुक्रिया भाई। ये तो मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान से भी खराब फील्डिंग हो रही है। चौथा ओवर चल रहा है, तैयार मंगल खेला है दोस्त, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मिलेगा और दूसरे के लिए हार रहा है। सिंगल हाथों से आजकल विश्व कप पर अच्छा स्टंप लगाता है, उसी दे के पर इसको जब पहुंचा यहाँ पे आर्टिस्ट खाती है। अच्छा अबुल कैद भाई दुबई से देख, आर्टिस्ट खाती है चार ओवर आर्टिस्ट है, अभी भी दस से कम का असर है, इतनी खराब फील्डिंग करने के बावजूद अगर दस से कम का असर है तो संजयपुर का मैच आज नहीं है रही। अदनान और फैसल यहाँ पर, अदनान और सलमान अपने खेल के दिखा रहे हैं। अब आ रहे हैं प्रशांत का अपना दूसरा फील्डिंग का पांच ओवर लेकर। अच्छा भाई आप मालदीव से देख रहे हैं, शुक्रिया। अब तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुकाबले बड़े हैं, बड़े बन के हैं, बड़े मुकाबले में अच्छी टीम है, इनको पूरा मौका मिले कि अपने जौहर को दिखाएं, अपने स्किल को दिखाएं, अपनी काबिलियत को यहाँ पे दिखाएं। सदनी का टास्क हो गया है, नसीरपुर जीती है, शायद पहले फील्डिंग करेगी सजनी, पहले बैटिंग करेगी। हमारे की टीम कल हार गई, फाइनल मंगल को सलमान पैंतालीस उमर शेख का जो हर सबके 50 का इनाम लगाए हैं। नहीं भाई सारी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है, एक अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट की। सलमान और अदनान तो 47 रन बन चुके हैं, लेकिन टीम ने कहा ये लिखा रहे हैं। अच्छा आलम भाई पांचवा ओवर चल रहा है, 40 रन बन चुके हैं, टीम ने कहा के चल रहा है यहां पे और स्कोर किया 40 रन, 6 प्लस 6 का मुकाबला है और अब तक स्कोर हो चुका है 48 रन, 5 ओवर जा रहे हैं। शाम के बाद मुंडियार बल्लेबाजी कर रहा है और गेंदबाजी कर रहा है रहमत डिलरी जो
गुलिस्तान होटल के मालिक का दोस्त इस मुकाबले को लाइक जीता है, उनका भी वेलकम है। तमाम लोग संजरपुर बनी हुई है, लेकिन बाकी आदिल नहीं आए दोस्त मैच जीतने के लिए। नसीरपुर का इसके बाद है वहाँ पे संभावना बन रही है, जी नहीं अच्छा बचाव कहा जाएगा, एक रन मिलेगा। कह रहे थे कल की मैं आऊंगा संडे को मैच, मोबाइल का कैमरा है, कैमरा साफ है भाई। इसके रन चार्ज बड़ी अच्छे अंदाज में अपने खेल को दिखाने की कोशिश करते हुए सलमान सोच सोच के अपने खेल को दिखाना होगा, सरदार बनने वाला है तैयार। सलमान क्या कुछ आवाज आई दोस्त, सलमान रसूलाबाद से देख रहे हैं, चालीस से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 55 रन बन चुका है मुंडियार का। फिर 50 रुपए के इनाम अमर सिंह की तरफ से आया, 5 ओवर की समाप्ति पर 55 रन। संजरपुर अभी है टूर्नामेंट में, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, लड़ना है तो आज जीत ले मैदान में हमें, हम लोग दिले से बगावत नहीं करते। तो मुंडियार के हौसला अफजाई करने के लिए इनाम लगा है, लेकिन सलमान जीत रहा है इनाम, और कोई इनाम जीतने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, फिर भी रन आने चाहिए किसी भी तरह से। 5 ओवर 55 रन, 11 बचे 55, लेकिन 40 अकेले सलमान का है, 15 रन में वाइड भी होगा और 17 रन है नसीरपुर का मैच है। सजनी से खेला जाएगा अगला मैच भाई, दुर्भाषा का नहीं मालूम भाई, बहुत सारे लोग जीत रहे हैं। नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल ये भी अपने हथियार में बैठे मुकाबला देख रहा है, आजम गेट हर राखी चुनगी स्पोर्ट के मुकाबले को लाइव देख रहा है, हर राखी चुनगी स्टार का ऑप्शन अभी बंद है भाई, आ जाएगा इंशाल्लाह आज कल खान आदमी भाई, सॉरी मुझे नहीं मालूम सिंगल पैंथर सरिया, अच्छे सरिया की पहचान है, 56 रन बन चुका है। इसके मोबाइल पर बड़ा योगदान है, तैयार असमन सलमान, वाह हैंडसम स्कोर, हैंडसम स्कोर, जितनी भी तारीफ की जाए सलमान की कम है, फिर 50 का इनाम जीतने में कामयाब। 62 रन, 46 रन बना चुका है ये बैट्समैन सलमान, नाम को दिया गया था तो जीवन दान देंगे, तो फिर मैं कह रहा था कि आप बॉल मुझे मार, वही कहानी दोहराई जा रही है। स्कोर 62 तैयार है, तमसु की आग भी पहुंचे गए जाएंगे, और इस मर्तबा चले गए बेले का बाहर सलमान कैच आउट। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं, बल्लेबाज का नाम सैफुल्ला जाने वाले बाजू का लेकिन 65 रन बन चुके हैं, दोस्त और आखिरी बार जारी है ये, और 46 रन बनाने आ रहे हैं, कितने छक्के लगाए थे मालूम नहीं है भाई, आप कितने छक्के लगाए हैं कि नहीं मालूम नहीं, 5 भाई थोड़ा मैच देख लिया करो आप लोग। उमर नाम 46 रन बना कर आउट हुए, बरौली में टूर्नामेंट है 27 तीन बार तो कुछ हर चांस से बार था, लेकिन एक चांस बहुत आसान था इस बार, तेज स्ट्रोक खेलने के चक्कर में। ये वालेकुम सलाम, आजमगढ़ में टूर्नामेंट हो रहा है, कुलपुर अंजाम दिया। इसके बाद का जो मुकाबला होगा दोस्तों नसीरपुर बनाम सजनी, अगला मैच नसीरपुर बनाम सजनी होगा, एक और कोच के डैश का गैप के मौजूद यहां पे है और इंतजाम साहब है, लेकिन मैंने कहा कि एक रन लेगा, इसको उसे एक के साथ 63। अब यहाँ पे किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे अदनान, एक नंबर में है अदनान, कुछ लंबे मजबूत स्टोर लगाना चाह रहे हैं कि ये 6-6 का मुकाबला है। नसीरपुर और सजनी टीम बिल्कुल तैयार है, तमाम लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया, और कोई भी चीज फाइन करने के लिए 63 रन बन चुका है, 5 कटेगा सजनी का भी 5 रन कटा था दोस्तों, तैयार मुड़ियार बैटिंग कर रही है, इसराउली हार गई भैया।
आदिर शेख फरहान जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अक्सर ग्राम समय देखा जाता है कि दो तीन खिलाड़ी मजबूत होते हैं, उसके बाद टीम दबाव में आने लगती है। कुछ पुराने खिलाड़ी लग रहा मुंडियार के फरहान के हर छक्के के 300 का इनाम उमर साहब के हर छक्के के 300 लीजिए कुछ लगा दीजिए काम बनेगा। असल तो फरहान अच्छे और ये विकेट गिर चुका है, 6 ओवर में 63 रन बनाई है मुंडियार। ढंडवारा को अगर ये जीतना है तो 6 ओवर में 64 रन बनाने होंगे। इसका 64 है और 6 का ये मुकाबला है। बल्लेबाजी करेगी यहाँ पे एक सामान कंपनी द्वारा कुछ तेज कमेंट्री के मैं साथ कर लेकर जो रहा अपने साथी को यानी काली को पनिया कहाँ हो पानी लग रही है तो 6 का खेल फिर से है 64 का जवाब मैच है। आओ भाई यहाँ नहीं बता सकता कैसा मैच है क्या है, मैसेज कर दीजिए जवाब दे दूंगा। ये 64 एक छोटा टारगेट हो सकता है लेकिन अगर शाम का विकेट शुरुआत लेकिन 6 ओवर में 64 रन का टारगेट दिया है मुरियार की टीम ने ढंडवारा को। क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी की है सलमान ने 46 रन का स्कोर किया था सलमान ने। जो मेरे ख्याल से जिस तरीके का खेल वो दिखाता है चाहे फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, अगर बात की जाए फील्डिंग डिपार्टमेंट ऐसा है मेरे ख्याल से ऐसे कहता है भाई अगर फील्डिंग अच्छी हो जाए गेंदबाजी खराब हो बल्लेबाजी अच्छी ना हो लेकिन अगर फील्डिंग अच्छी हो जाती है तो कहीं ना कहीं टीम का इसके बाद नसीरपुर का मैच होगा सजनी से अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग को बताना है जो लोग इस टूर्नामेंट से अभी आए देर से जुड़े मैं उनको बता दूं कि ये जो स्टेडियम और हमारे स्टेडियम पर यह मुकाबला चल रहा है जिंदा में दिन ये मुकाबला चल रहा है ढंडवारा जौनपुर और साथ दे रहे हैं मुरियार आजमगढ़। टॉस जीता था मुरियार ढंडवारा के कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग करने का फैसला किया था और बैटिंग करने का जो इन्विटेशन मिला था मुरियार के बल्लेबाजों को 6 ओवरों में 46 रनों की शानदार कार्यवाही सलमान की और फाइनल मंगल को खेला जाएगा और मुंडियार की दो टीमें एक इससे पहले जो टीम जीती थी मुंडियार की वो बी टीम थी, जिन लोगों ने खेतासराय को हराया था वो बी टीम थी, ये ए टीम है। अब देखना ये है कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतती है कि जज्बा है जुनून है हिम्मत है हौसला है कि जज्बा है जुनून है हिम्मत है हौसला है अपने हर सवाल का तो खुद ही जवाब है। अब देखना ये है कि जिम्मेदारी जो जवाब देना है बल्लेबाजी की टीम ढंडवारा को तो ही जवाब देना है मेरी आपको फिर आदि की जिम्मेदारी है। ये भी कहो फर्स्ट टाइम में जावा लेफ्ट हैंड राइट हैंड मोहम्मद सेटिंग
अरे भाई साद भी है, साद है असमल के रूप में हमें पर जाना पड़ेगा बिना कुछ किए बिना कुछ खास किए बिना स्कोर किए वापस जा रहे हैं राष्ट्रपति के साथ शून्य पर एक बल्लेबाज का नाम अब जिम्मेदारी हर पांच के कांधों पर है कि आप सिर्फ साथ देने के साथ साथ ये टारगेट खत्म करना नहीं है लेकिन पहले शाम खेल रहे हैं भाई क्रिकेट है और क्रिकेट का नशे का होता है कहा जाता है ऑन स्क्रीन राइट हैंड ओवर द विकेट बॉल अपने से लग रही है लवली यंग प्लेयर के लिए डॉट गेटिंग मोर देन सिंगल द टॉप अपने पाइप पर हुआ था पाए सेल्फ एंड विद दैट एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड 1-1 इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द गेम टारगेटिंग 64 रन संजयपुर अभी टाइम है कल शायद खेलेंगे राजापुर सिकरौर परसों है इसके बाद है सजनी का ये देख लीजिए आप जब चौक विकेट के जाए तो बल्लेबाज बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से आ जाता है शॉट खेलने की कोशिश नहीं करता है और भाई मैं नहीं पहचानता हूँ आप किसी मुंडियार के मुंडियार के किसी आदमी से पूछ लीजिए उसको डिपेंड करना है मुंडियार को जिस तरीके की शुरुआत की है शुरुआत वाले छीन है सकुंडा जी महत्वपूर्ण कर बने हैं अब यहाँ पर रास्ता तलाश करने का जो काम है वो है छिंदवाड़ा के बल्लेबाजी को तो खुद को ये खोलकर जिंदगी को मायूस न कर तो खुद को ये खोलकर जिंदगी को मायूस न कर मंजिल चारों तरफ है रास्ते की तलाश कर अब देखना ये है कि कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं क्या बड़े शॉट लगाएंगे पॉजिटिव अप्रोच लगाएंगे या फिर फिर से बड़ा स्ट्राइक करेंगे इस बार बैट का ऊपरी सिरे पर विकेट पहुंची है जब को फेल किया गया था दोनों बल्लेबाजों ने कॉल कर एक रन तैयार कर दिया क्या बेहतरीन पहला ओवर रहा है सकुलिया का जबरदस्त गेंदबाजी की है दो विकेट निकाले और मेहनत खर्च किए हैं चार लवली बॉलिंग के पास बल्ले बॉल लवली बॉल बॉलिंग शॉन बाय मिस्टर सकुलिया का उसके चार रन दो विकेट के नुकसान पर एक ओवर चार रन एक ओवर चार रन दो विकेट चौसठ का टारगेट लाइव टेलीकास्ट कस्बा माहौल फूलपुर आजमगढ़ जिस तरीके से आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट उनके देश की फॉलोइंग अगर आप देख रहे हैं तो मोर देन 20 लाख 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़ते हैं किसी भी टूर्नामेंट में यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टूर्नामेंट की घोष कहां तक जा रही है राजनीति निकाला है
फायदा उठाना पड़ेगा। अपने देव तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं परेशान करने पड़ेंगे, आपको खोकर खेलना पड़ेगा। वही जिस तरीके की गेंदबाजी की है सैफुल्ला ने, वैसे ही गेंदबाजी को जारी रखना पड़ेगा गुड़िया के गेंदबाजों को। ऐसे ही आपके जरूरत है 11 रनों का निजी हो चुका है। 11 रन एक दो विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। लगातार ऐसे ही कोशिश करनी पड़ेगी धनवाड़ा की टीम को, तब कहीं ना कहीं लक्ष्य का पहुंच पाएंगे। तो तैयार है कार्य से मैं तो दर्शकों को बता दूं कि आमिर कैसे के जो प्रतिनिधि है सुभाष यादव जी और किसी पलों में हमारे बीच आने वाले हैं। मैं आपका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोस्ट वेलकम है आपका इस शानदार क्रिकेट ग्राउंड पर। हमारा आपका भाई करने के लिए आप आ रहे हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं चुका है भाई। जो उल्टे सीधे कमेंट करेगा, गाली गलौज वाले कमेंट करेगा, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो उनके लिए माफी चाहूंगा। मैं कुछ लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं कमेंट में, तो सोच समझ के ही कमेंट करें। और ये मैं आज ही अब मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ने के बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से ही यही रूल लगाया हूँ कि जो गाली गलौज करेगा, उल्टे सीधे कमेंट करेगा, वो सीधा ब्लॉक होगा, जिसके लिए माफी भी चाहूँगा। कुछ लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है मजबूरी में। इस मुकाबले में
इसके बाद नसीरपुर का मैच है सजनी से। तीसरा ओवर चल रहा है। नहीं भाई, सबको क्यों करूं, जो गाली गलौज करूंगा उसको तो करना ही पड़ेगा ना भाई। मंगल को समाजवादी पार्टी और आमिर और जो दुबई में जाएंगे आज हमारे बीच आए टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही है यहाँ पे आए हैं। 24 रन बन चुका है। तीसरा ओवर चल रहा है। 64 का जो भी कुछ ज्यादा हो जाता है तो अच्छा, तो मैं बैठ के गाली सुनूं सलमान खान SP। अगर आपको ये ठीक लगता है तो भाई वो नहीं कर सकता। और मैं आज से नहीं, पहला टूर्नामेंट जब मैं चलाया था तब से ये चीज कर रहा हूँ। छब्बीस रन। ठीक है सलमान भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हर लाइव स्ट्रीम में आप तो नहीं होते हो ना भाई। मैच पे ध्यान दीजिए, आप लोग मैच पे ध्यान दीजिए। 29 रन बन चुका है, 29 रन 64 का टारगेट है। 6 ओवर का मैच है, 6 ओवर में 64 रन चाहिए, 6 ओवर में 64 रन चाहिए। तीसरा ओवर चल रहा है, 29 रन बन चुके हैं।
बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। तीसरा विकेट गिरता हुआ ढंडवारा। अगला मैच नसीरपुर बनाम सजनी है। अभी कोई टीम फाइनल में नहीं पहुंची है। 6+6 ओवर का है। तीसरा ओवर 29 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर शायद चल रहा है। कल बरौली का मैच है, कल सरियरपुर का मैच है, कल हो सकता है राजापुर सिकरौर भी आए। राजापुर सिकरौर 3 मैच जीती है और अभी होगा नसीरपुर का इसके बाद। हो गया है शायद बत्तीस रन बन चुका है। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन। 18 बॉल 31 रन। जब कोई मुश्किल आम पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने के क्रिकेट निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने के क्रिकेट निकालो मर जाने से क्या होगा। और मंजिल ओली को लगती है जिसके कदमों में जान होती है, संत से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और आम इंडिया का ये बात कौन आएगा, और वहाँ से दूर करके हमें भेजा है मुकाबला, शुक्रिया। लेकिन आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी का चेहरा है सचिन यादव हमारे बीच मौजूद है और मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का ये वादा है भाई, बताओ नसीरपुर का कब है, इसके बाद है नसीरपुर बनाम सजनी। फलसफर टीम
भाई ये ग्राम सभा टूर्नामेंट है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आज सफर की टीम होगी। तीन विकेट गिरा है। मंगल को फाइनल है, मंगल को। पैंतीस रन बन चुका है, 64 रन का टारगेट है। चौसठ का टारगेट है। ये अच्छा खेल रहा है, उसको ढक पा रहा है। जो अच्छा खेल कर तो खेलने में आखिर यह होता है घर से जाता है, अच्छा खेलने वाले के साथ काम बिगड़ जाता है, उसको बनता है। तो अल सफर नाम से मैं नहीं समझ पाऊंगा ना किस गांव की टीम है। अल सफर की टीम जो मैं जानता था वो अंडर आर्म में थी। अल सफर 45 रन बन चुका है, 14 ओवर चल रहा है। चिट्ठी में दिखा रहा है मेरा दोस्त अल सफर फूल फूल थी। फूलपुर की टीम एक खेली थी लेकिन अल सफर तो ऐसे उसके साथ नहीं जुड़ा था लेकिन वो हार गई। हारन की टीम नहीं मालूम है। 64 का टारगेट है, 46 बन चुका है। इसके मेहमान बन के आए हैं सचिन यादव, समाजवादी पार्टी का युवक सुभद्र आमिर और से दूर और इनके बीच बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और कहा गया हिंदू अगर जो है तो खड़कन मुसलमान होगा। हम सब दंडवारा बनाम मुड़ियार का मैच है। और अभी सजनी का मैच होगा, सबरात का शायद नहीं आई थी। 47 बन चुका है, 4th ओवर चल रहा है। आसिफ भाई अल सफर बरौली की टीम है अंडर आर्म की। हाँ अल सफर का अंडर आर्म में नाम सुना हूँ, शायद हार गई नेवादा, इसी टीम से तो हारी थी डंडवारा से शायद। छः प्लस छः ओवर का मैच है, 48 चौथा ओवर चल रहा है। कोई जानता लेकिन कंगना रनावत ने क्या कर दिया, धमाका मचा है पूरे हिंदुस्तान का। और यहाँ पे आउट हुए कौन सा बल्लेबाज जाएगा इसी मंडियाल के स्कोर पे और आधार जहाँ नए बल्लेबाज का नाम बता 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 पानी में पहुंचे थे। बहुत मुश्किल चुनौतियां 16 रन में चाहिए,
16 रनों की जरूरत है आने वाले दो ओवर और कुछ बॉलों में। स्कोर 54 रन 10 रनों की जरूरत, 12 बॉल पे 10 रन की जरूरत। खंडवारा को मैच जीतने के लिए 12 बॉल पे 10 रन की जरूरत। बारह बॉल पे 9 रन की जरूरत। दोनों रन शॉट कर दिया गया है। आठ रनों की जरूरत। मंजीर पट्टी भाई हो सकता है कल बुलाया जाए, क्योंकि वो भी तीन मैच जीत चुकी है। मंजीर पट्टी भी 3 मैच जीती है कल या परसों। संजयपुर को कल बुलाया जाएगा, जहां तक लगता है मुझे कल बुलाया जाएगा। इसके बाद नसीरपुर का है सजनी। सात रनों की जरूरत। तो ये कटवा वाला मैच है भाई। बता तो रहा हूँ भाई, संजयपुर को कल बुलाया जाएगा। एक अच्छा
नहीं अकबर सात रनों की जरूरत है। बहुत अच्छी किताबी हुई है। सलमान तैयार, आखिरी गेंद भी बताया जा रहा है, इसको 57 है। सलमान तैयार, थोड़ा शूट किया, विकेट कैसे गेंद करेंगे? और तीन ट्राई, दूसरे ट्राई का लक्ष्य तो हमारा हाथ पर है। और तीन करेंगे, एक रन मिलेगा, इसको यहाँ पे 58 रन, 6 पे 6। इधर आ रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं लाइव। आज ऐसा लग रहा है कि अपने फेसबुक से चला रहा है लाइव और बता रहे हैं कि दुनिया देख रहे इस स्टार स्टार ग्रुप का ये टूर्नामेंट 6 पे 6 बहुत प्यारे डांस पर करवाता है। समाजवादी का एक चेहरा यहाँ पे आया है जिन्हें सचिन यादव कहते हैं। सचिन का नाम आते ही क्रिकेट जगत के पूरे सुनहरे इतिहास याद आ जाते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर 6 पे 6 जो हिंदुस्तान के क्रिकेट का बड़ा नाम किया है पूरी दुनिया में अपने आप को क्रिकेट के बाद है सजनी बनाम नसीरपुर तो क्रिकेट बना दिया है। क्रिकेट को हमने छीना है, कभी इंग्लैंड ने हमारी सभी कंट्रिया को छीना था, आज हमने उसे क्रिकेट छीना है। और सुनर कान से कहते हैं चर्चा हो जहाँ चाहो क्रिकेट में लो हम आपको हराएंगे। ये हिंदुस्तान की क्रिकेट कहती है कि हमारे पटे हुए टोकियों को संजनाकर हमारे ताज को अजायब घर में रखे। 6 पे 6 ये ताज कौन है? राशि के बाकी तो निकल आएगी। 6 के 6 6 के 6 चाहिए मैच जीतने के लिए। मुकाबला किस पर जाएगा, कमजोर घर वाले या तो आप बंद कर लो या दवा का इंतजाम कर लो, पूरा बेहतरीन ये मुकाबला होने वाला है। 6 के 6 चाहिए मैच जीतने के लिए। किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला, कौन सी टीम इसकी विजयी होगी, किसको विदेशी मिलेगी, कौन उसको आएगा और कौन सोचने के मजबूर होगा। जिंदगी में यही जीत है, हार के बाद ही जीत है। तैयार और तमाम है ऐसे देखते थे लेकिन मैं काम नहीं कर रहे हैं। इसको 59 अभी भी 5 पे 5 अब तो दोनों टीम कैप्टन के जेड भटक 83 होगी 84 होगी। कॉन्फिडेंस के साथ फॉरवर्ड बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बॉल सजनी अब्दुल सजनी का है भाई, इसके बाद कुछ करना चाह रहा है। लेकिन वहाँ पे आप दूसरे की बात कर रहे हैं क्या होगा, और एक और 4 रन अभी चाहिए मैच जीतने के लिए। 4 गेंद पे 4 चाहिए बैटिंग पहले गेंद को अगर आप प्रयास करते देख लेंगे काम बनता। तो क्या सुपर डिमांड वो सोच रहे क्या सुपर गेंदने के लिए जाए तो क्या सुपर होगा, यानी 4 गेंद पे 4 क्या हो गया भाई? शाम भाई पानी लेके प्यार है, जल ही जीवन है, पानी पीते रहो और अच्छा क्रिकेट खेलते रहो। और मुंडियार भी हार मानने को तैयार नहीं है, मुंडियार भी हार मानने को तैयार नहीं है। हर एक गेंद के बाद बल्लेबाज की जवान से उठे हुए और जरूर ट्राई किया वहां पर आपको प्रकृति के साथ आप दिख रहे हैं। एक रन मिला है, एक रन से संतुष्ट होंगे, स्कोर से 3 रन चाहिए, 3 के 1 रन घर जाएगा ये मुकाबला। अब दोनों टीम कैप्टन क्या कहते हैं,
मेरे मालिक नवाज दो मुझको, मेरे मालिक नवाज दो मुझको, या मेरी ख्वाहिश को कम कर दो। सजनी बैटिंग करेंगे भाई, किसको नवाजी दे किसकी ख्वाहिश कम होगी ये देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मुकाबला अच्छा था, हार जीत का पांच साल गेम है, वो जीतेगा एक हारे जा रहे, लेकिन मुकाबला इसी तरह से होना चाहिए। क्रिकेट का मैदान यही मान करता है राजीव तैयार दो बॉल तीन रन, दो बॉल पे तीन रन, नेवादा खेल चुकी भाई। दो बॉल तीन रन, दो बॉल तीन रन, ऐसे मुकाबले कब देखने को मिलते हैं, सदियों में मिलते हैं। दो बॉल तीन रन, पहला रोमांचक मुकाबला चल रहा है, आज नंगा दिन है, नंगे दिन का ये पहला रोमांचक मुकाबला, कितने रोमांचक, बहुत रोमांचक मुकाबले हुए हैं। और एक पे तीन, एक बॉल तीन रन, एक ऐसे चांस जहां से ये बता रहा है कि भाई अंतर कोई नहीं आएगा, मजा जरा सा बोलो। एक पे तीन, एक गेंद के लिए दो बनेगा तो मैच टाई होगा। एक पे तीन, एक पे तीन, छह रन चाहिए था, पांच पे पांच रन चाहिए था, चार पे चार रन चाहिए था, अब एक पे तीन रन चाहिए, तो बेहतरीन के बाद तीन गेंद किया गया। अब इसके बाद दोस्त पूरे मुकाबले हैं, थोड़ा सा जल्दी करें, वक्त कम है, मैच ज्यादा है, वक्त कम है, मैच ज्यादा है। इसमें से जो टीम जीतेगी और जो टीम जीतेगी इसका मुकाबला होगा। दंडवारा जीत गई भैया, बाहर आ जाओ, दंडवारा जीत गई, दंडवारा जीत गई, दंडवारा जीत गई। अगला मैच सजनी बनाम नसीरपुर। नसीरपुर बनाम सजनी का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें नसीरपुर फील्डिंग करेगी, सजनी बैटिंग करेगी। पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है कमर आसिफ, QAMAR, कमर ASIF आसिफ, कमर आसिफ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दोबारा आ रहा हूँ, दंडवारा ये मैच जीत गई है। मुडियार ने बहुत ही अच्छी फाइट किया, हार्ड लक मुंडियार।